लाखों लोग आते हैं हाँ। तो एक ही डिजाइन रखेंगे तो क्या बार बार रिपीट तो नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। जो टैटू बनाने के दौरान आप नीडल वगैरह यूज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं वो आप दिखा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा का सेम पिक्चर, अलग नहीं सेम पिक्चर अगर बनवाना चाहते हैं अपने हैंड पे, तो भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे जितने भी हम कलर्स यूज करते हैं सर। ये यूएसए इम्पोर्टेड कलर से सर रोज आते बना, ये सब हमारे काम है। अच्छा, ये रोज आपने बनाया है? हाँ जी। अच्छा, ये सब टैटू है। अच्छा, सब ये पोर्ट्रेट वगैरह। अच्छा, एक्चुअली मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, ज्यादातर पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ। देखिए, सब में कोई ना कोई फेस मिलेगा आपको। अच्छा, तो देखिए वैसा टैटू जो कहीं गूगल पे अवेलेबल नहीं है। तो वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम है बोरिंग रोड चौराहा के पास में, और पीछे में है जीबी मॉल। और दोस्तों जीबी मॉल में एक शॉप है, उसी को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं जीबी मॉल के अंदर में, और वहाँ पे उस सब तक आप कैसे पहुँच सकते हैं उसका आपको रास्ता बता देते हैं। तो दोस्तों ये जीबी मॉल जाने का मेन रास्ता यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे अंदर की तरफ चल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है उस शॉप तक पहले आपको पहुँचा देते हैं, और उसके बाद उस शॉप को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप ऊपर आएंगे आपको राइट की साइड में ले लेना है, और यहाँ पे आपका उसका कुछ दिया हुआ है उस शॉप का नाम यहाँ पे, और इसी शॉप में हम जाने वाले हैं। तो आपको आगे की तरफ बढ़ते जाना इस तरह से। दोस्तों राइट साइड से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और राइट साइड से जैसे ही आप जी मॉल पे ऊपर चढ़ेंगे, आगे मैं राइट साइड बढ़ता जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से आपको राइट लेना है, यहाँ से राइट लेना है और इस साइड आ जाना है। और इस साइड जब आएंगे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे वो शॉप है, आपको बैक कैमरे से यहाँ पे मैं दिखलाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो शॉप, और इसी के अंदर हम चलने वाले हैं। दोस्तों अब हम इस शॉप के अंदर इन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम शॉप के अंदर आ गए हैं। दोस्तों जो यहाँ पे टैटू बनाते हैं उनके साथ हम बैठ गए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। मेरा नाम खेम है। खेम 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 आपका नाम है? ठीक है, खेम थापा। खेम थापा, अच्छा, तो नाम भी बहुत यूनिक है आपका, है ना। तो आप यहाँ पे जैसे कस्टमर आएंगे, जैसे इस वीडियो को देख कर कस्टमर आएंगे, तो सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे तो उनको ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे जो टैटू बनेगा, क्योंकि जीबी मॉल काफी हाईटेक एरिया है और बोरिंग रोड का सबसे फेमस एरिया है ना, और इस मॉल के अंदर आपका ये शॉप है, तो सबसे पहले वो प्राइस की चर्चा करेंगे, मतलब प्राइस वो देखेंगे कितना यहाँ पे प्राइस लिया जाता है। तो सबसे पहले प्राइस से पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो लोग आएंगे बोरिंग रोड चौराहा से, तो यहाँ पे आने का रास्ता उनको बता दीजिए कैसे कैसे आएंगे वो। बोरिंग रोड चौराहा, देखो आपको ये सबसे, ये तो बहुत ज्यादा नोन एरिया है बोरिंग रोड चौराहा, है ना। यस, ये तो नोन एरिया है, तो आप कहीं से भी आओगे तो बोरिंग रोड चौराहा, आप चाहे गाड़ी पकड़ के पर्सनल से भी आओगे तो किसी से पूछोगे तो आप डायरेक्ट इधर बोरिंग रोड चौराहा में ही है, जहाँ पे बिल्कुल आपका ट्रैफिक बिल्कुल चौराहा में है। ठीक है, तो जीबी मॉल बोल के वो मॉल है यहाँ पे, तो वहां से आप एंटर कीजिए। बाकी तो आपने मैं वीडियो में कवर कर लिया हूँ, कवर कर लिया होगा, तो टोटली इनको फॉलो करते हुए इन्होंने जो वीडियो बताया तो आप आ सकते हो अंदर। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे टैटू का कुछ हम डिजाइन आप देखना चाहेंगे आपसे, तो आप डिजाइन कैसे देखते हैं, कंप्यूटर में दिखलाते हैं या फिर वहाँ पे चल के आप दिखलाइए? ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो डिजाइन होता है ना, मतलब ऐसा कुछ फिक्स डिजाइन नहीं होता, क्योंकि अब लाखों लोग आते हैं हाँ। तो एक ही डिजाइन रखेंगे तो क्या बार बार रिपीट तो नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो आप, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना अपना वेबसाइट दिखाता हूं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये कैसा टैटू बनाना है तो आपको पसंद करना होगा, यहाँ पे ये अपने पर्सनल वेबसाइट से दिखलाएंगे कि ये टैटू, मतलब आपको सिलेक्ट करवाएं कि आपको कैसा टैटू बनवाना। तो देखिए यहाँ पे ये बैक कैमरे से मैं दिखला रहा हूँ, ये आप टैटू का डिजाइन कैसे सिलेक्ट करवाते हैं जो यहाँ पे लोग आते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको अपना काम दिखाते हैं, हमारा काम देखने के लिए आप पटना इंक टैटू स्टूडियो, पटना इंक टैटू स्टूडियो आप डालोगे, या फिर वेबसाइट डालोगे तो www.patnaink.com करे डाल सकते हैं। अच्छा, आपके शॉप के नाम से ही, मतलब ये वेबसाइट भी आपका है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ से भी साइट से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर www.patnaink.com करके भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा, तो आपका पोर्टल वो ओपन हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ काम दिखा देता हूँ मैं, तो आप दिखाइए। ये देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसमें आप सारा काम हमारा जितने भी, तो ये कस्टमर तो वेबसाइट पे जाके भी टैटू सिलेक्ट करके आ सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, टैटू सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये एक ही वेबसाइट में हमारा पुराने काम जितने भी हमने किया, देखो पेंटिंग और सब मैंने किया। अच्छा अच्छा, ये देखो ये सारा, ये रोज आते बना, ये सब हमारे काम है। अच्छा, ये रोज आपने बनाया है? हाँ जी। अच्छा, ये सब टैटू है,
पोर्ट्रेट वगैरह। अच्छा, एक्चुअली मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, ज्यादातर पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ। देखिए सब में कोई ना कोई फेस मिलेगा आपको। अच्छा, बाकी आप जाके ये आपका बहुत लंबा वो होता है, मतलब हाँ, देख लीजिए आप। हाँ, देख लीजिए जो भी है, मतलब आपको एक डेमो दिखला दिए कि इस प्रकार आप बनाते हैं, है ना। हाँ, देखिए ये सब फोटो मैंने बना रखा है। अच्छा, ये सब फोटो ये मतलब ये स्क्रैच करते हैं भाई? हाँ, पेपर पे करते हैं ना? पेपर भी करता हूँ, पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ, ये आपको मिल जाएगा पीछे, आप दिखा देना। अच्छा, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि इन्होंने जो डिजाइन किया है, जो बनाया है, ये इनके साइट पे अवेलेबल है। आप अपने घर से भी इनके जो शॉप का साइट है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि मतलब ये कितना डिजाइन बना चुके हैं, कितना टैटू ये बना चुके हैं। और दोस्तों इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे बाय द वे आप कस्टमाइजेशन टैटू बनवाना चाहते हैं, मतलब आप अपने घर से सिलेक्ट करके आते हैं, या फिर वैसा टैटू जो कहीं गूगल पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर उस तरह का भी आप बनवाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं आप क्या? जैसे बाय द वे मेरा फेस इनके हैंड पे बनाना है तो भी आप बना दीजिए क्या? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना, मैं पोर्ट्रेट, हर कोई आर्टिस्ट ना एक अलग अलग मतलब उस पे होता है, बेस पे होता है। जैसे कोई पोर्ट्रेट बनाता है, कुछ ब्लैक एंड ग्रे स्केच बनाता है ना, कुछ स्केच आर्टिस्ट होता है, कुछ पोर्ट्रेट। तो मैं पोर्ट्रेट, मेरा मेन जो है बेसिक, मेरे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ मैं। अच्छा, तो पोर्ट्रेट्स वगैरह आप अगर कोई भी आप किसी भी आपका मतलब कोई मदर फादर का बनाता है, कोई किसी का आप लेके आओगे तो बन जाएगा प्रॉपर, वैसा ही बन जाएगा। अच्छा, आप मेरा काम देख लीजिए कुछ पोर्ट्रेट्स का, बिल्कुल आप दिखा दीजिए। आपको वीडियो क्लिप भी दिखलाऊंगा इस वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मतलब इनके हाथ में कितना कला और कितने अच्छे ये टैटू बनाते हैं। बाय द वे अगर हम चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा का सेम पिक्चर, अलग नहीं सेम पिक्चर अगर बनवाना चाहते हैं अपने हैंड पे तो भी आप बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मैंने आज तक अपने बॉडी पे कहीं भी टैटू नहीं बनवाया, तो सबसे पहला डर होता है कि टैटू बनाने के बाद कोई साइड इफेक्ट होता है आपके हैंड पे जब बनाएंगे, तो ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए साइड इफेक्ट तो वैसा आज तक वैसा, अगर आप प्रोफेशनल टैटू स्टूडियो में जाओगे तो वैसा कुछ आपको इशू नहीं आएगा साइड इफेक्ट वगैरह का। हाँ, अगर आप कहीं लोकल जगह पे रोड साइड पे कोई मतलब बनवा लेते, कोई मेला में कोई रोड साइड में, वहां जाओगे तो हो सकता है ऐसा इशू आए। बाकी ऐसा कोई अभी तक कोई प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके आपके मतलब नजर में अभी तक वैसा कोई केस नहीं, ऐसा कोई केस नहीं आया, मतलब बिल्कुल 1% वैसे केस नहीं आया कि कोई प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके ऐसा होगा, क्योंकि हमारे नीडल वगैरह जो भी प्रॉपर हम सामान वगैरह उसमें लगाते सब वो चेंज होता है, बिल्कुल टोटल एक सेटअप न्यू होता है, न्यू होता है जो भी किट आप यूज करते हैं, बिल्कुल न्यू होता है, ग्लव से लेके नीडल से लेके सब कुछ जो भी होता है वो सब टैटू का सब न्यू होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे इनके मतलब जुबान से आपने सुन लिया कि जो टैटू बनाते हैं प्रोफेशनल स्टूडियो जो भी होता है उसमें जो होता है कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, अगर रोड साइड बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा एनवायरनमेंट में डस्ट वगैरह उड़ता रहता है तो उसके कारण आपको इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे पाएंगे तो आपको उस तरह कोई भी इनके एंड से मतलब अभी तक ने जो भी ये काम किया है उसमें कोई भी ऐसा केस इन्होंने नहीं देखा है। बताइए कि जैसे कि यहाँ पे कोई आएंगे तो उसका प्राइस जो होता है, यहाँ पे आएंगे तो टैटू आपके पास कितना से कितना तक अवेलेबल है, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम एक एवरेज बताइएगा, क्योंकि वो आएंगे तो कस्टमाइजेशन करवाएंगे तो वो चेंज हो सकता है, तो आप बताइए कि मिनिमम टैटू जो है वो कितने प्राइस का है और मैक्सिमम कितने प्राइस का है। एक्चुअली आपका जो टैटू होता है डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, मैंने ये बोल दिया पहले, साइज क्या होगा उसका, डिजाइन क्या होगा, है ना। कोई होता है पोर्ट्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सबसे मेन कंसर्न होता है सबका कि पोर्ट्रेट पे कितना मतलब प्राइस लगता है फेस को बनाना, बिल्कुल तो उसका मिनिमम चार्ज आपका 5000 शुरू है, आप चाहे छोटा बनाओ चाहे मतलब मिनिमम छोटा बनाओ या फिर स्टैंडर्ड साइज बनाओ, और जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है उसका आपका 10-12-15 हजार जितना भी आप बड़ा साइज बनाओगे साइज के हिसाब से, साइज के अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाएगा साइज के। और नॉर्मल टैटू का आपका 400 रुपए पर इंच करके है, पर स्क्वायर इंच करके। जैसे मेरा नाम गौरव हुआ, मैं अपने हैंड में गौरव लिखवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या पे करना होगा? उसके लिए आप देखिए, हम फिक्स प्राइस तो है नहीं, क्योंकि कोई भी कस्टमर क्या होता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट, कोई हमारा पुराना क्लाइंट है कोई, बट मिनिमम आपका डिस्काउंट वो मिनिमम लग जाएगा आपका
1000-1200 के अंदर आपका हो जाएगा। अच्छा, तो उसमें भी कस्टमाइजेशन से कर्सिव कोई लिखवाना चाहेंगे, कोई सिंपल आपको लिखवाना चाहेंगे, क्योंकि लैंग्वेज होता है ना, प्राइस क्या है ना हम डिस्क्लोज नहीं करते, फिक्स नहीं होता है, महंगा भी हो सकता है सस्ता भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो भी प्राइस यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो में शेयर किया है वो यहाँ पे जब आप आएंगे आपको अच्छा लगेगा, तो ऐसा है कि आपको ये जो बताएंगे प्राइस का उस प्राइस को आप मतलब प्रिफर नहीं करेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको प्राइसिंग जो है वो आगे पीछे भी हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी है उसके हिसाब से, लेकिन जहां तक होगा आपके मतलब मेरे वीडियो देखकर आप यहां पे आते हैं, बाकी अगर आप इनका वीडियो देख के अगर आते हो तो उसमें और भी हम कुछ डिस्काउंट वगैरह कर सकते हैं, स्पेशली इनका आप चैनल का नाम और इनका नाम लेके अगर कुछ आते हो तो स्पेशल आपको डिस्काउंट मिल सकता है। हम लोग जिनके भी हाथ में टैटू देखते हैं वो ब्लैक कलर का होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है कलर टैटू भी बनाया जाता है, तो इनसे हम जानते हैं कि कलर टैटू ये कैसे बनाते हैं, कौन सा कलर यहाँ पे यूज करते हैं, तो आप दिखाइए कलर वो। हाँ, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, सैंपल वगैरह दिखाता हूँ, ओनली ब्लैक नहीं होता, वो कस्टमर के डिपेंड होता है कि वो कलर टैटू बनाना चाहता है कि ब्लैक, मतलब कोई बटरफ्लाई बनाता है कलर, है ना। बिल्कुल, कुछ कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, जितना भी ये कलर देखो ब्लैक हो गया आपका और ये सब छोटे कलर है, ठीक है, तो आप एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे जितने भी हम कलर यूज करते हैं सर, ये यूएसए इम्पोर्टेड कलर है सर। अच्छा अच्छा, कोई यहाँ का ब्रांडिंग मतलब यूएसए का है, सब यूएसए से इम्पोर्टेड होता है। बिल्कुल, सब देखिए आप जो भी कलर पे आप वो करोगे सबके सब यूएसए, यूएसए के आप यहाँ डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं सर। अच्छा, जो भी है स्टैंडर्ड कलर है, मतलब कंपनी स्टैंडर्ड होती है, कोई लोकल कंपनी आपके पास नहीं होती, कोई लोकल कंपनी नहीं है, आपको हर चीज आपको ब्रांडेड मिलेगा यहाँ पे और काम भी वैसा ही मिलेगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, जब यहाँ पे आएंगे आप एक बार जरूर विजिट कीजिए इस टैटू स्टूडियो में। एक यहाँ पे जनरल क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे जो साइड इफेक्ट तो बता दिया मैंने, और एक जनरल क्वेश्चन ये है कि जब टैटू बनाने आते हैं तो वो ऐसा है कि टैटू बनाने के दौरान कितना चुभता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है या फिर सिंपल वो बन जाता है, ऐसा कुछ? दर्द तो देखो आप थोड़ा बहुत मिनिमम, थोड़ा बहुत मैं आपका माइनर सा पेन करेगा, थोड़ा बहुत तो करता ही है ना। अच्छा, क्योंकि टैटू बन रहा परमानेंट कोई चीज हमारे बॉडी में जा रहा है, पर ऐसा नहीं है एक्सट्रीम कि आपको बहुत ज्यादा पेन करेगा, आप सह नहीं पाओगे, वैसा कुछ प्रॉब्लम वैसा कुछ नहीं, मतलब जैसे कैसे नीडल हम लोग इंजेक्शन लेते हैं तो उस तरह का दर्द, इंजेक्शन तो देखो पूरा अंदर तक जाता है, आपके वेन तक जाता है, टैटू तो खाली टच करता ऊपर ऊपर स्किन में ही जाता खाली। तो दोस्तों यहाँ पे एक पेंटिंग लगा हुआ है सामने में, आप देख लीजिए ये पेंटिंग जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका सिग्नेचर भी है, ये खेम जी ने बनाया है, यानी ये पेंटिंग भी बनाते हैं, आर्टिस्ट हैं। जो टैटू बनाने के दौरान आप नीडल वगैरह यूज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं वो आप दिखा सकते हैं, कौन सा नीडल यूज करते हैं यहाँ पे, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं आप? ये हमारे जो है दो टाइप के नीडल होते हैं, एक कार्ट्रिज होता है, कार्ट्रिज नीडल है, ये भी सब अमेरिका इम्पोर्टेड है, सभी अमेरिकन देखो ये प्रोफेशनल कार्ट्रिज नीडल, ठीक है, ये सब चीज है यूएसए, सभी यूएसए से इम्पोर्टेड होता है, आप एक बार दिखा दीजिए उनको, ठीक है, तो ये सब होता है, ये देखिए कार्ट्रिज नीडल है, ये सब होता दिखा दीजिए, इस नीडल का उपयोग ये करते हैं टैटू बनाने में। ये आपके दो टाइप के नीडल होते हैं, एक सिंपल आपका नीडल होता है ये लॉन्ग, जो कि आपका दूसरे मशीन में फिट होता है, ठीक है। अच्छा, और ये आपका इनोवेटिव मशीन है, अभी न्यू कंपनी ने लॉन्च किया, यूटोपियन है, क्योंकि ये भी यूएसए का मशीन है, इसमें ये नीडल लगता है, कार्ट्रिज बोलते हैं। अच्छा, ये दो नीडल यूज होता है टैटू बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पे खेम जी के माध्यम से इस टैटू स्टूडियो में जो भी काम होता है मैंने आपको सारा कुछ इनके थ्रू बता दिया है और दिखला भी दिया है कि ये किस प्रकार टैटू बनाते हैं। तो खेम जी आपको ये सब बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे वीडियो शूट करने के लिए, और आप जहाँ तक हो सके इनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा हमारा ये सब कवर किया। तो और फिर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो है इससे भी अच्छा वीडियो आपको दूं इस टैटू स्टूडियो का, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं टैटू बनवाता हुआ लाइव आपको वीडियो क्लिप दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि खेम जी जो है वो किस प्रकार टैटू जो है वो बनाते हैं। तो धन्यवाद आपका खेम जी।
दोस्तों आज के इस वीडियो में पटना इन टैटू स्टूडियो को मैंने एक्सप्लोर किया है और यहाँ पे जो कुछ भी काम होता है वो सारा चीज़ आपको बताया हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार टैटू बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो भी टैटू आपको पसंद है अपने घर सब पसंद करके आ सकते हैं। कस्टमाइजेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है, आप एक बार ज़रूर आइए, विजिट कीजिए और टैटू आप एक बार बनवा कर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितनी अच्छी टैटू जो है वो बनाया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल टेक्निकल बिहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।